अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू माय किचन मैं हूं शेफ हफ्सा आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही डिलीशियस रेसिपी लेके आई हूं आज हम बनाएंगे क्रिस्पी चिकन विंग्स वो भी एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल के तरह एकदम ज़बरदस्ती क्रिस्पी कोटिंग हो और अंदर से चिकन एकदम फ्लेवरफुल हो इसको बनाना काफ़ी आसान है तो रेसिपी का कोई भी पार्ट मिस मत कीजिएगा आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं रेसिपी स्टार्ट करते हैं सबसे पहले यहाँ पे मेरे पास है आधा किलो चिकन विंग्स इसको मैंने धोया नहीं है इसको सबसे पहले हम ऐड करेंगे पानी में तो सिंपल इस तरह एक बोल में पानी भर के इसमें चिकन ऐड कर लें और साथ ही हम यहाँ पे ऐड करेंगे वन फोर्थ कप विनेगर यानी कि सफ़ेद सिरका अब सरके से होगा ये कि चिकन की जो स्मेल है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी और इसके अंदर जो भी ब्लड वगैरह होगा वो पानी में आ जाएगा इस तरह अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे सिरका ऐड करके और इसको तकरीबन पंद्रह मिनट के लिए छोड़ देंगे पंद्रह मिनट के बाद अब हम चिकन को अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे चिकन को अच्छी तरह से वॉश करके एक बोल में ऐड करेंगे इसमें ऐड करेंगे अब मसाले कुछ तो सबसे पहले हाफ़ टी स्पून सॉल्ट वन टी स्पून चिकन पाउडर वन टी स्पून रेड चिली पाउडर हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर वन टेबल स्पून मस्टर्ड पेस्ट वन टी स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे मेरे को अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है तो ये अच्छे से मिक्स हो गया है अब हम एक बोल में एक अंडा ऐड करेंगे साथ ही इसमें हम थोड़ा सा दूध ऐड करेंगे तकरीबन टू टेबल स्पून और अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेंगे इस तरह से एक एग का बैटर बनाकर तैयार कर लेना है अब हम एक दूसरे बोल में ऐड करेंगे दो कप फ्लावर यानी कि मैदा इसमें ऐड करेंगे हाफ टी स्पून सॉल्ट हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर वन टी स्पून चिकन पाउडर और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे अब जो हमने चिकन पे मसाला लगाया था वो सबसे पहले ऐड करेंगे हम फ्लावर में और अच्छी तरह से इसको कोट कर लेंगे अच्छे से फ्लावर में इसको कोट करने के बाद इसको ऐड करेंगे हम अंडे वाले बैटर में और अच्छे से इसको हमें डिप कर लेना है इस तरह और फिर इस तरह करने के बाद अब हम इसको वापस से ऐड करेंगे फ्लाई वाले मिक्सचर में और अच्छी तरह इसको कोट कर लेंगे अब ये वाली जो कोटिंग है ना ये फाइनल कोटिंग है तो उसको बहुत ही अच्छे से करना है और इस तरीके से देखें हमें तमाम चिकन पर कोटिंग लगा के एक वैक पर रख देना है और अब हम इसको फ्राई कर लेंगे तो फ्राई करने के लिए सिंपल एक पैन में ऐड करेंगे थोड़ा सा ऑयल और ऑयल जब गर्म हो जाएगा तो इसमें विंग्स के पीसेस ऐड करेंगे अब ना हम इसको पाँच से छह मिनट के लिए एक तरफ से अच्छे से कोक होने देंगे और फिर इसकी साइड चेंज करके इसको दूसरी तरफ से पकने देंगे पाँच छः मिनट के लिए तो टोटल इस तरह हमें इसको 10 से 12 मिनट के लिए फ्राई करना है चिकन बहुत ही अच्छे से जो है वो रेडी हो जाएगी तो यहाँ पे से चिकन विंग्स जो है वो क्रिस्पी फ्राई हो गए हैं इसको हम निकाल देंगे और इस तरह से एक इस पे रखेंगे ताकि जो भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो ड्रिप हो जाए तो तैयार है हमारे डिलेशस चिकन विंग्स बहुत ही आसम के रेडी हुए हैं फ्लेवर भी बहुत आसम है जबकि इसको बनाना भी काफ़ी आसान है तो अगर आपको रेसिपी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा यूट्यूब चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में इनशाला हाफिज़